वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ हसूबा हिरा। और पिछली दो वीडियोस के लिए माजरत, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ही कम और थकी हुई थी। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे पिक्चर को कि कौन सी पिक्चर को हम एडिट करने वाले हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और इन सब को देखते हुए मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा फ्रेम बेटर है, इस पर काम किया जा सकता है या फिर इस पर, दोनों में देखते हैं। ज़्यादा अच्छी ये लग रही है। अब इसको हम शेयर करेंगे टू आवर लाइट रूम और अब ये इमेज लाइट रूम में ओपन होगी जो कि यहाँ, और उसके बाद ये इमेज आ गई। और किसी भी इमेज पे काम करना, सबसे पहले उसको क्रॉप करना आता है। ये इसको क्रॉप हम थोड़ा कस्टम करेंगे क्योंकि ओरिजिनल क्रॉप ये रेड फैब्रिक बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, ये कर लिया हमने क्रॉप। और उसके बाद ऑटो करके देखेंगे उसमें इमेज के कलर पॉप हो रहे हैं या नहीं। कुछ इमेजेस में ऑटो अप्लाई करना होता है और कुछ में नहीं। या हम इसका एक्सपोजर देखेंगे, एक्सपोजर कम है तो ग्रीन कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाइलाइट्स कम रखेंगे ताकि ग्रीन कलर जो है वो प्रोमिनेंट आए। शेडोज़ को थोड़ा सा कम करेंगे। वाइट्स को आई थिंक सो ज़्यादा करेंगे हम थोड़ा बहुत। एंड ब्लैक इसके बैकग्राउंड को तो प्रोमिनेंट कर रहा है पर हमारे ग्लास के कलर्स को थोड़ा डल कर रहा है, तो ब्लैक के कलर को हम 16 तक रखेंगे। उसके बाद इसका टेम्परेचर, ये ड्रिंक है तो इसका टेम्परेचर हाई नहीं बल्कि तकरीबन माइनस में जाएगा 5। टेंट का आप देखें कि इस पर ज़्यादा डिफरेंस पड़ रहा है, तो टेंट हम 15 इनफ है। सैचुरेशन थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे ताकि चीज़ें सैचुरेटेड और कलरफुल दिखें। अब मिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें हमारा मेन कलर है ग्रीन। अब ग्रीन को लशियस दिखाने के लिए हम उसकी ह्यू को थोड़ा सा 34 पे ले जाएंगे। अब उस ह्यू की सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसकी ल्यूमिनेंस को, ल्यूमिनेंस बेसिकली लाइट होती है, सैचुरेशन इंटेंसिटी होती है और ल्यूमिनेंस उसकी लाइट होती है। इसके बाद दूसरा कलर, ये हमारे बैकग्राउंड में ये थोड़ा सा फैब्रिक आ रहा है उसको देखते हैं, उसको हम कौन से रेड के ह्यू में देखेंगे पर उसकी सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा ल्यूमिनेंस कम कर देंगे क्योंकि वो डार्कर टोन में ज़्यादा प्यारा लग रहा है। डन। अब इसका टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी फूड आइटम का टेक्सचर और क्लैरिटी। इसको डीहेज कर देंगे लिटिल बिट ऑफ दिस। और शार्पनेस बढ़ा देंगे अपनी इमेज की ताकि चीज़ें क्लियर लगें। शार्पनेस की वैल्यू डिपेंड करती है पिक्चर टू पिक्चर, इसमें हम 60 रखेंगे। डिटेल्स हमें इस पिक्चर में ज़्यादा चाहिए तो हम डिटेल्स को ज़्यादा कर देंगे क्योंकि ये लेमन और स्ट्रॉ को रिप्रजेंट करता है बहुत क्लियरली। मास्किंग इतनी नहीं है, नॉइस रिडक्शन कर देंगे थोड़ी बहुत। मैंने इसकी वैल्यू 38 रखी है। आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं हर चीज़ को। क्रोमेटिक करेक्शन करेंगे, लेंस करेक्शन करेंगे, उसके बाद इसकी ज्योमेट्री को देखेंगे। अब ये डिस्टॉर्ट करके देखेंगे, आई थिंक इसको माइनस डिस्टॉर्शन में 10 इनफ है। और ये गार्ड अंकल सीटियाँ बजाए जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, वॉइस ओवर के दरमियान में ये इसकी डिस्टॉर्शन हो गई और आई थिंक इट्स कूल इनफ। बट मुझे लगता है कि इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाहिए इसके अपर पोर्शन, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत एक्सपोजर के मामले में, ताकि वो हमारी इमेज का हाइलाइटेड पोर्शन हो, इसका कंट्रास्ट और इसकी हाइलाइट्स भी थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे। एंड दैट्स इनफ। और उसके बाद हम इस पर अपने प्रोफाइल्स अप्लाई करेंगे, देखेंगे कौन सी प्रोफाइल इस पर परफेक्टली सूट करती है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है।
और गार्डन पे भी सीटियाँ मारने से सुकून नहीं आ रहा। अच्छा ये आई थिंक दिस वन इज नाइस, ये है मॉडर्न 01 प्रोफाइल। और आप नीचे बाकी भी चेक कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, लाइक दिस। विंटेज में मुझे नहीं लगता है इसमें कोई अच्छा लग रहा है। मॉडर्न 07 भी नाइसर है क्योंकि वो उसके कलर्स को ना बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट या आप कह सकते हो प्रोमिनेंट कर रहा है। आई थिंक इट्स नाइस, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे और एक्सपोर्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। And this yummy margarita was from my friend's channel, which is linked in the description. So go watch her channel for yummy dishes. Thank you.